सर्वेश क्या कहेंगे? पूरा गतिरोध अपनी जगह है, लोकतंत्र अपनी जगह है, अडानी का मुद्दा अपनी जगह है। आखिर ये मुद्दा आप सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं ले जाते? सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्देश अपना जारी किया है। आज आपको, आज की घटनाओं से आपको ये निश्चित तौर पे तय हो जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के लिए एक आदमी इस पूरे देश से बड़ा है। 16 के 16 विपक्षी पार्टियां, इतने सांसद सड़कों पे हैं, जेपीसी बनाने की डिमांड कर रहे हैं इस देश की। हमारे लोकतंत्र में, हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसेस में पहले भी कई बार ऐसे घोटालों पे बनी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार तैयार नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए वो भारतीय लोकतंत्र की लोकतांत्रिक भावनाओं के साथ खेल रही है। आज किस तरीके से, जब संसद सांसद निकले संसद भवन से, आपने देखा किस तरीके घेराबंदी की गई। आज पूरा का पूरा विपक्ष बोलता रहे, पूरा लोकतंत्र करा रहा है, लोग बोल रहे हैं। हिंडनबर्ग में आपने मॉरिशस की इतनी कंपनियों से, एक एक एड्रेस पे की कंपनियों से 42,000 करोड़ रुपए रूट कराए हैं। आपके ईडी की जांच नहीं बैठ रही है। आप पूरे देश में आप विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हो। विपक्ष पे ईडी और सीबीआई आपने लगा रखी है, और आप अडानी के घर पे आप ईडी की नोटिस तक नहीं भेजते हो। आपकी सीबीआई नहीं होती है। पूरा का पूरा आप स्पष्ट रूप से देखिए, आज नहीं तो कल इनको अडानी पे बोलना ही पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और इनके सभी मंत्री पार्लियामेंट के अंदर अडानी का हवा बोलने को तैयार नहीं है। ये डरते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पूरी की पूरी सरकार अडानी के गोद में बैठी हुई है। वो जो चाहता है इस देश का कानून बना लेता है। कोयला कानून उसने अपने फेवर में चेंज कराया और लाखों करोड़ों का कोयला फायदा पहुंचाया उस व्यक्ति ने। सिर्फ एक आदमी को आप 84,000 करोड़ का लोन वेव ऑफ कर दे रहे हो, 2.5 लाख करोड़ का लोन एक व्यक्ति को देते जा रहे हो। अब पूरा देश में गरीबी फैल रही है, सिलेंडर के दाम 400 से 1100 जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज पूरा का पूरा विपक्ष इकट्ठा है, और लेकिन आपको विपक्ष की आवाज सुननी नहीं है। लेकिन विपक्ष मानेगा नहीं, अडानी का जो मामला है ये पूरा विपक्ष इकट्ठा है और इस मामले को उठाते रहेंगे। चलिए ठीक है, अमिता।